मशीन को कैसे ऑन करते हैं उसको बता दें। सबसे पहले हमें यहाँ से मेन जो बटन है इसको ऊपर करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में जो सीआर सिस्टम होता है, ये सीआर सिस्टम है, यहाँ से इसको ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जियो इसको वन के ऊपर लेके आना है, ठीक है। इसमें लाइट ऑन हो गई है, फिर ये वाला बटन है इसको दबाना, ये सीआर सिस्टम ऑन हो गया। इसके बाद में ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर में भी ये आप देख सकते हो इसके अंदर एक ज़ीरो और वन, ज़ीरो पे ऑफ होता है, वन पे ऑन होता है, तो वन ये ऑन किया इसको। इसके बाद में ये वाला जो बटन है इसको ऑन करते हैं, ये प्रिंटर स्टार्ट हो गया। अब हम ये जो सीपीयू है यहाँ से इसको ये वाला बटन दबाया, इसके बाद में सेकेंड ये वाला बटन दबाया, दोनों में लाइट ऑन हो गई है। पहले ये कंप्यूटर स्टार्ट होगा, फिर ये वाला कंप्यूटर स्टार्ट होगा। इसमें हम इमेज आती है, इसमें इमेज ट्रांसफ़र करके प्रिंट देते हैं। इसके बाद में ये हमारा कंसोल है, ठीक है। यहाँ से इसका पावर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में ये एपीआर, जो मैनुअल प्रोसेसिंग हम नहीं करते, जो एपीआर है उसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो एपीआर को अब मैं यहाँ से ऐसे दूँगी, जो भी पोजीशन सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली मीडियम सेलेक्ट करते हैं, फिर ये इंटर दबाना है, फिर वापस चेस्ट का है या जिसका भी है वो हम देख लेंगे। फिर ये चेस्ट है तो चेस्ट वाला दबा देंगे। इसके बाद में ये पीए है या लेटर व्यू है तो ये पीए ही होता है, ये दबाए, ठीक है। इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा जो कंप्यूटर वाला सिस्टम है ये हो गया। इसमें ये ऑन होने के बाद में इस एरो को यहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। दो बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इमेज वर्क करेगा और जो इस तरीके से इमेज आएगी, ठीक है। अब हम इसको किस पे लेके आएंगे, टुडे में लेके आएंगे। ये टुडे में लेके आ गए, आज कोई भी एक्सरे नहीं, अब जो भी एक्सरे करेंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। ये वाला स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो पेशेंट की एंट्री है वो सारी की जाती है, इसी में इमेज आती है, फिर इसको नेक्स्ट इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से इसमें ये इमेज वर्क आ गया, ठीक है।